नेक्सन वीजा कंसल्टेंट। यूके स्टडी वीजा अप्लाई नाउ गेट 2 ईयर वर्क परमिट आफ्टर कंप्लीट यूर कोर्स। नो कंसोलिडेशन चार्जेस, नो एप्लीकेशन फीस। एड्रेस राम गोपाल एस्टेट, विशन शाहरुख कॉलोनी, पानीपत। कॉन्टैक्ट नंबर 9094200484। अगर आप YouTube पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Facebook पर हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत पेज फॉलो करें, शेयर और लाइक करें और साथ ही वॉइस ऑफ पानीपत ग्रुप भी ज्वाइन करें। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा प्रचार आज शाम 5 बजे पूरी तरह से थम जाएगा। प्रचार प्रसार खत्म होने से पहले ही पहले आज सुबह से ही सभी उम्मीदवार बची हुई कॉलोनियों का दौरा करने में लगे हैं। पानीपत ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश जैन आज ई रिक्शा में सवार हो जगह जगह जा रहे हैं। जैन आज जनता का समर्थन जुटाने के लिए धूप सिंह नगर में पहुंचे और लोगों के घरों में जा जाकर उनसे समर्थन मांगा। ओम प्रकाश जैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता जागरूक हो चुकी है, इसलिए वो बीजेपी को भगाना चाहती है और कांग्रेस को लाना चाहती है और उन्हें 100% भरोसा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आएगी। बीजेपी प्रत्याशी पर तंज कसते हुए जैन बोले कि उन्होंने 5 सालों में सिर्फ अपना घर भरा है, कोई विकास कार्य नहीं करवाया है। साथ ही जैन ने अपने राज्य में किए हर कार्यों के बारे में बताया। कितना जोश जनता में है इस मौजूदा सरकार को भगाने के लिए तैयार है और कांग्रेस को लाने के लिए तैयार है। मैंने तो 5 इलेक्शन लड़े, ऐसा इलेक्शन कभी भी नहीं हुआ। इस बार पूरी जनता जागरूक हो चुकी है और पूरी जनता इस बीजेपी कांग्रेस को भगाना चाहती है, इस बीजेपी की और कांग्रेस को लड़ना चाहती है। 100% पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस आने जा रही है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे और यहाँ से वह जनता की सेवा करेंगे। वहीं आम जनता ने कहा कि वो इस बार अपना समर्थन कांग्रेस को देने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है। जनता का कहना है कि भाजपा ने सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़वाने का काम किया है और कोई विकास कार्य नहीं करवाया, जिससे वो अपना मन बना चुके हैं कि इस बार वो कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। बहुत भारी बहुमत से समर्थन है जी और बहुत भारी वोटों से यहाँ से विजयी बना के भेजेंगे ग्रामीण से। और हमारे ओम प्रकाश जानी आगे विधायक होंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे, जो जनता की सेवा करेंगे। आपने देखा कि गलियों में किस प्रकार का नरक है। भाजपा विकास कहती है कि हमने विकास कराया, विकास तो कहीं आई नहीं, गलियों में पानी खड़ा आज भी। तो हम अपने ओम प्रकाश जैन जी को दिखाएंगे यहाँ से भारी मतों से और विधायक बनाएंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे इस प्रदेश के, जो कि विकास होगा, इस कॉलोनियों का विकास होगा, गाँव का विकास होगा, 37 बिरादरी का काम होगा, किसी को भी ये परेशानी नहीं होगी। हमारा काम नहीं हुआ, ग्रामीण की मजबूरी हो चुकी है, क्योंकि भाजपा के राज में तो पहले तो धर्म पर लड़ाए, फिर जात पात पर लड़ाए, पूरे देश के देश में जात पात और धर्म की लड़ाई, लड़का पब्लिक का ध्यान खींच कर आपस में भाईचारा बिगाड़ा है और ना को विकास कार्य करवाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल के अंतराल में जब भी आदमी अखबार उठा कर देखा था ये पता लगा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज ये कर दिया, आज वो कर दिया। लाइट की, पानी की, जमींदारी की, जमींदारा जहाज में चांद पर पूछा गया था जमींदारा, और आज के दिन जमींदार इतने बूढ़े कर्ज में है, आत्महत्या करने पर मजबूर है। विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन पार्टियों के स्टार प्रचारक आज हरियाणा में पहुंच रहे हैं। स्टार प्रचारक के साथ साथ सभी उम्मीदवार आखिरी समय तक जमकर पसीना बहा रहे हैं। देखना होगा कि कौन सी पार्टी जनता के दिलों पर कितना असर छोड़ती है। वैसे पानीपत के लिए नीरज पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक, जीटी रोड, पानीपत। एएसएम आरू लगाओ, पीलिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ। डेकिन एसी पर फ्री गिफ्ट, 10% कैश बैक, 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर। हर प्रकार के मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध।